ये तोहफे मुझे चैन से नहीं रहने देंगे, मुझे तंग करते रहेंगे दिन रात। जिस कमरे में मैं रहती हूं वहां जरियाब के तोहफों का क्या काम? हाँ, ओ हेलो सुहानी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं तुमसे बाहर जाके बात करती हूँ। हाँ हेलो, कौन सी मुसीबत की बात कर रही हो तुम? वही जरिया आपके दिए हुए तोहफे जो मेरे कमरे में पड़े हुए हैं, मुझे रुसवा करते रहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं निजात हासिल करना चाहती हूँ इनसे राहिला, मैंने तुम्हारे पास भेज रही हूँ, दरिया आपको वापस कर देना। कूल डाउन सुहानी, मुझे बताओ तुम ये गिफ्ट वापस क्यों करना चाहती हो? राहिला, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, ना तो मैं दरिया आपसे मोहब्बत करती हूँ और ना ही मेरा शादी करने का उससे कोई इरादा है, इसीलिए अपने गिफ्ट को अपने पास रखे। लेकिन वो तो तुमसे प्यार करता है ना? वो जिस प्यार के दावे करता था उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। अच्छा तुम रुको, मैं जरिया आपसे बात करती हूँ। तुम उससे कोई ऐसी वैसी बात मत करना, मुझे जरियाब से कोई ताल्लुक नहीं रखना है। ना रखो, मैं तुमसे फोर्स नहीं कर रही हूँ। लेकिन तुम जानती हो मैं कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जरियाब से बात जरूर करूंगी, तुम फोन बंद करो। सुहानी जाओ बेटा, जाके जरा किचन देखो, सालन ना जल जाए। अरे मैं तुझे एक एनर्जी ड्रिंक पिलाता हूँ आज। राहिला भाभी कहाँ से ले गई थी आप? वो बैठे हैं आप जरा, सरिया भाई मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ जरूर कीजिए। वो सुहानी की कॉल आई थी, जरूर आपने मेरी फ्रेंड को डिस्टर्ब किया होगा। ओह सुहानी, वो भी डिस्टर्ब होती है? तो लोगों को डिस्टर्ब करती है। जी नहीं, उसने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप खुद हुए हैं। मैंने तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा उसे। खैर ये सब बातें छोड़ें, आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं आप उससे? नहीं। पहले करना चाहते थे? कुछ याद नहीं। क्या आप बकवास कर रहा है यार, तू तो पहले मरे जा रहा था सुहानी से शादी करने के लिए और अब तू कह रहा है कि शायद कुछ याद नहीं मुझे। अच्छा अब तुझे याद नहीं, इसका यह मतलब है कि पहले तू शादी करना चाहता था और अब शादी करना नहीं चाहता। शायद कुछ ऐसा ही। इस तब्दीली की वजह जान सकते हैं हम? देखो राहिला भाभी, आपकी फ्रेंड बहुत मगरूर, बददिमाग और साइको लड़की, मुझे बिल्कुल भी पसंद। वो भी आपके बारे में कुछ ऐसे ही ख्याल रखती कि आप मगरूर, बददिमाग और साइको पेशेंट हैं, वो आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ये उसका डिसीजन है और मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो उसे मोहब्बत के जोश में आके सारे गिफ्ट दिए थे वो आपको वापस कर दिए जाएं? गिफ्ट? हाँ, इतनी सारी बुक्स, ब्रांडेड सूट, इम्पोर्टेंट परफ्यूम। हाँ वो चीजें, उन चीजों का मैं क्या करूं? उससे कहो कि अगर उसने नहीं रखनी ये चीजें तो किताबें किसी लाइब्रेरी को डोनेट कर दें और ब्रांडेड सूट्स किसी ऐसे एनजीओ को दे दें जो बेसहारा औरतों के लिए काम करती है। वाह बहुत खूब, ऐसा करें, ये बात आप सुहानी को खुद फोन करके बोल दें। हाँ मैं कह दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। वैसे दोस्त तुझसे एक बात कहूं, जो अदाकारी तू दिखा रहा है ना उसमें कोई खास चाह नजर नहीं आ रही, फिर भी यार ये जिंदगी तेरी अपनी है, तू इसे जैसे चाहे जी सकता है। छोड़ो ये फजूल की बातें, कुछ लो ना, जूस लो।
देख लो सुहानी, तुम्हारा पूरा कमरा अपसेट हो गया, अब कोई भी बेतरतीबी भी नहीं होनी चाहिए। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सलीके और तरीके से गुजारी है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी बहुत तरीके और सलीके से ही जिंदगी गुजारे। अब तुम ऐसा करो कि खाना बनाना भी सीखो, दो चार ऐसी डिशेज बनाओ जो लड़के वाले जब तुम्हें देखने के लिए आए तो हम अपने फखर से कह सकें कि हमारी सुहानी ने बनाया। अच्छे खाने बनाओ, सच सवर के बैठ जाओ ताकि लोग मुझे पसंद करें। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? शायद इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे बात बहुत। अम्मी यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स रखे थे। कौन से गिफ्ट्स? जो जरियाब ने मुझे दिए थे। तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? कैसी अजीब बातें करती हैं आप, मुझे वापस करने थे। समझो वापस हो गए। जब तुम्हारा जरियाब से कोई लेना देना नहीं है तो फिर भूल जाओ उन्हें और अपनी आने वाली जिंदगी पे फोकस करो बस। कैसी अजीब बातें करती हैं अम्मी आप। कहाँ रख दी अम्मी आपने? देखा, जब तुम्हारा जरियाब से कुछ लेना देना नहीं है तो उसके तोहफों से क्या मतलब है तुम्हें? मुझे वापस करने उसको वो तोहफे। जरियाब की कॉल है, काट दूं? काटने से बेहतर है कि मैं खुद ही सुन लेती हूँ। आप रहने दें, मैं खुद बात करती हूँ जरियाब से। लेकिन देखो बहुत तरीके से बात कर। हेलो राहिला, भाभी से पता चला कि परेशान हो, डिस्टर्ब हो मेरी वजह से। क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मैं आपकी वजह से नहीं, आपके भेजे हुए तोहफों की वजह से परेशान हूँ। तोहफे? कौन से तोहफे? मैं तो भूल गया हूँ। आप तो भूल चुके हैं, लेकिन आपने अपने सर का बोझ मेरे कमरे में डाल दिया है। खुलूस और मोहब्बत से बचे गए तोहफे तुम्हारे लिए बोझ है। जी, बोझ है। मैं कब तक देखती रहूं उन्हें और क्यों देखती रहूं? किताबें पढ़ना तो तुम्हें पसंद थी, अब तुम्हें बोझ लगती हैं। जी, किताबें मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो कपड़े और परफ्यूम से बहुत पसंद है, लेकिन लेकिन वैकेंड छोड़ो सुहानी, ब्रांडेड सूट पहनो, परफ्यूम लगाओ, किताबें पढ़ो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है जरियाब कि मैं आपके भेजे हुए सूट क्यों पहनूं, आपकी भेजी हुई किताबें मैं क्यों पढ़ूं, किस ताल्लुक से? रिश्ता कायम करना चाहते? मुझे पल भर में टूट जाने वाले रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है जरियाब। शादी से ज्यादा पक्का रिश्ता क्या होगा सुहानी? अगर तुम्हें शादी में दिलचस्पी है तो तुम्हारे प्रपोजल पे गौर कर सकता हूँ। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है जरियाब। सोच लो सुहानी। मम्मा आजकल मेरे आगे रिश्तों की लाइन लगाने वाली है, पर ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक दिल फेंक लड़का हूँ। लाइन में लगी हुई कोई भी लड़की पसंद आ सकती है, कहीं तुम अपने चांस मिस न कर जाओ। जो लोग रिश्तों की खरीदारी के लिए अपने सामने बाजार सजा लेते हैं, नफरत है मुझे उनसे। चल, मोहब्बत ना सही, नफरत का रिश्ता तो कायम हुआ तुमसे। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मोहब्बत का ना नफरत का। मैं आपके साथ हर रिश्ते से इनकार करती हूँ। यहाँ पर हर तरफ रिश्तों का बाजार बना हुआ है, जिसमें से एक तुम भी हो, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस बाजार में बिकने वाले का इनकार कोई अहमियत नहीं रखता। तुमसे फिर बात होगी। जरियाब,
कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, सब सफेद पोश घराने की बेटियां हैं, एक से बढ़कर एक। नॉट बैड, अच्छी है। मॉम क्या कर रही हैं? क्या देख रही हैं आप? तुम्हारे लिए मैं लड़कियों की तस्वीरें देख रही हूँ। बल्कि शुरू से ये लो, तुम खुद देखो और पसंद करो और बताओ कौन सी लड़की तुम्हें अच्छी लगी। नसरीन बीए, मास्टर की बेटी, सिलाई कढ़ाई में माहिर। मैं विश, मास्टर्स होम इकोनॉमिक्स, बाब इलेक्ट्रिक कंपनी, लजीज खाने बनाती। ये सब क्या है माँ? क्या मतलब सब क्या है बेटा? ये सब लड़कियां बहुत काम की हैं, सिलिका मदर है, सुगर है, और मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरी बेटी की केयर करे। कम ऑन माँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप इस घर के लिए कोई नौकरानी ढूंढ रहे हैं। माँ आप मुझे देखें, कम से कम लड़की मेरे शान के मुताबिक तो, लेकिन आपसे नहीं होगा। मेरा मैच तो डैड ही ढूंढ सकते हैं, वही जानते हैं कि मैं क्या हूं और मेरे शायन निशान क्या। आप लोग सुनिए, देखा मिसेस मांडवीवाल, जरिया आप कैसे कहकर गया है मुझे, लड़की मेरे शान के मुताबिक होनी चाहिए जिससे मेरा मैच हो। ठीक ही तो कह रहा है सहरा, तुम्हारे घराने की बहू कोई अमीर लड़की होनी चाहिए। मेरे होते हुए इस घर में आकर कोई दूसरी औरत राज करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। सरिया आप समझ रहे हैं कि मैं इस घर के लिए बहू नहीं, नौकरानी तलाश कर रही हूं। हाँ, इस घर में जो भी लड़की बहू बनकर आएगी उसे नौकरानी बनकर ही रहना पड़ेगा और मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा। तुम्हारे सर्कल की लड़कियां इशारों पे नहीं नाचती साहिरा, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ अच्छी तरह समझती हूँ और खूब समझती हूँ। तो फिर सुहानी तुम्हारे लिए बैड ऑप्शन नहीं है? सुहानी, सुहानी, सुहानी बेटा क्या हुआ है? जरियाब से कोई बात हुई है? क्या कहा है जरियाब ने, बताओ बेटा। अब जरियाब को बहुत अच्छा समझती थी ना, ऐसा लड़का मिल जाए तो और क्या चाहिए। आपको पता है वो मेंटली डैमेज्ड है, साइको है वो, उसके सर पे दौलत का गुरूर सवार है, उसके लहजे में फिरौनों जैसा तकब्बुर है, वो बहुत बुरा है, उससे लाख गुना बेहतर फरीद है, एटलीस्ट उसके दो चेहरे नहीं है। ये फरीद बीच में कहां से आ गया? मैं उससे शादी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ इंसानियत की बात कर रही हूँ। उस बड़े घर के इकलौते बेटे से बहुत ज्यादा बेहतर एक मामूली इलेक्ट्रिशियन है, बेहतर इंसान तो है। अगर सुहानी बात, अच्छा हुआ बेटे के यहाँ मिलने के लिए आ गए मुझसे। अम्मा रोज पूछती है आपका मामू,
मैंने सोचा आज आपसे ऑफिस में ही आके मिलूं। घर में तो अब नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार, तुम जब चाहो घर आके मिलो, तुम्हारा अपना घर है वो। एक बात कहना थी मामू। बोलो। ये रिश्ते नाते तो मुकद्दर की बात होती है, आपको कभी भी कोई भी काम हो बिल्कुल उसी तरह कह दीजिएगा जैसे आप कहा करते थे। मुझे आपका काम करके खुशी मिलती है। अरे बेटे तुम मेरे औलाद की तरह हो, मेरे बच्चे हो, अरे मुझे किसी काम की जरूरत होगी तो मैं किससे कहूंगा, तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा है? और अपनी माँ से कहना कि मैं जल्दी आके मिलूंगा। ठीक है? ठीक है मामू। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। तुम बाइक पे आए हो? नहीं मामू, बाइक तो मैंने एक दोस्त को दे दी थी आज, अभी तो मैं वैन पर आया हूँ। वैन पे तो तुम बैठो, चाय वाय पियो, फिर देखते हैं। मामू आपके काम का हर्ज होगा। अरे नहीं नहीं कोई हर्ज नहीं होता बेटा, बल्कि मैं तो कहता हूँ मेरे साथ ही चलना है यहाँ से वापस। ठीक है? जी सर। यस सर। ओके सर। तुम बैठो, मैं सर से मिल गया। ठीक है? ठीक है मामू। सर। यस कम इन। यस सर। बलीद शाह साहब को जानते हो? शाह इंडस्ट्रीज वाले हैं। जी जी सर, उन्हें कौन नहीं जानता, मैंने तो उनका घर भी देखा हुआ है। ठीक है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट उनके घर पहुंचानी है। जी जी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वो घर पे नहीं होंगे, शाम 5 बजे के बाद मिलते हैं। तुम ऐसा करना कि 5 बजे पहुंच जाओ। जी सर। थैंक यू।